अब बात करें अगर हम एग्री कमोडिटीज की, तो आज एग्री कमोडिटीज का बाजार भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सभी कमोडिटीज आज लाल रंग के साथ खुलती हुई नजर आई हैं। पूरा एग्री कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-2 और 3-3% की गिरावट ऑलमोस्ट कमोडिटीज के अंदर आज देखने को मिल रही है। सबसे पहले नजर डालेंगे अगर कैस्टर सीड पर, तो कैस्टर सीड में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली काफी हावी होते हुए देखने को मिली है। 2% की गिरावट कैस्टर सीड के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखाई दी है। ऐसे में कैस्टर सीड आज 6000 का स्तर तोड़ चुका है जनवरी वायदा। अब यहां पर गिरावट और गहराती हुई दिखाई दे सकती है। 5980 के नीचे अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो बाजारों में गिरावट हावी हो सकती है और कैसे से नीचे में 5800 तक भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड्स के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कीमतों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर नजर डालें बिनोला खल पर, तो बिनोला खल में कल की पिछले हफ्ते की तेजी पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दी है और बाजार ऊपरी स्तरों पर लुढ़क चुके हैं, लेकिन अभी भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। 2800 के ऊपर बिनोला खल आज भी सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2840 के आसपास दिसंबर और जनवरी वायदा दोनों ही सेम भाव पर आज ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में दिसंबर वायदा की आज एक्सपायरी है, जबकि जनवरी वायदा भी 2843 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रोल ओवर करने के लिए लेवल्स बिल्कुल सही हैं। इन लेवल्स के पर अगर किसी ने दिसंबर में खरीदारी कर रखी है तो वो जनवरी में पोजिशन खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिनोला कल नीचे लुढ़क जरूर सकता है आज, क्योंकि 0.25% की गिरावट है और ये गिरावट बढ़ सकती है, 2820 से लेकर 2780 तक लुढ़क सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 3000 से लेकर 3100 का टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें धनिया में की, तो धनिया में भी 1% से ज्यादा की गिरावट आज बाजारों में आते हुए दिखाई दी है और धनिया भी अपने ऊपरी स्तरों पर लुढ़क चुका है। धनिया का भी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड का इंपैक्ट आता हुआ बाजारों में देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से धनिया में ऊपरी स्तरों पर गिरावट हावी होते हुए नजर आ रही है और नीचे में धनिया एक बार 8500 का स्तर जनवरी वायदा में आज इंट्राडे में एक बार छूता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्वारगम ग्वार से दोनों ही कमोडिटीज ऊपरी स्तरों से जबरदस्त लुढ़कती हुई 3-3% की गिरावट, 300 अंकों की गिरावट के साथ दोनों ही कमोडिटीज कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्वार सीड में जहां 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, तो वहीं ग्वारगम में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, तो ग्वार सीड में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। ऐसे में ग्वारगम जो है नीचे में 10000 के लेवल को अगर सस्टेन करती है तो उसमें तेजी आ सकती है, और वहीं अगर ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड नीचे में आज 5920 तक लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है। दरअसल कच्चे तेल में आ रही गिरावट का सीधा असर हमने ग्वारगम और ग्वार सीड पर आते हुए देखा है। पहले भी जब कच्चा तेल लुढ़का था तब ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों ही धराशायी होती हुई दिखाई दी थी। अब वापस से जब कच्चे तेल में रिकवरी आई तो ग्वारगम और ग्वार सीड को भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, लेकिन आज फिर से कच्चा तेल लुढ़का है और उसी का सीधा असर ग्वार के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं तो कच्चा तेल और ग्वारगम और ग्वार सीड इन सभी कमोडिटीज में गिरावट हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अब नजर डालें अगर जीरे पर, तो जीरे में भी आज थोड़ी बहुत खरीदारी जो पिछले हफ्ते देखने को मिली थी वो अब फिर से गायब होती दिखाई दे रही है और आज इस कमोडिटी में भी गिरावट है। 16000 के बेहद करीब ये कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और एक्सपेक्टेड है आज 16000 तक लुढ़क सकती है। सरसों और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के साथ सोयाबीन में भी आज गिरावट हावी होते हुए दिखाई दी है। एडिबल ऑयल पैक की बात की जाए तो आज सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऊपरी स्तरों पर गिरावट देखने को मिल रही है। सरसों आज देखा जाए तो वो भी 8000 के नीचे लुढ़क चुकी है वायदा के अंदर जनवरी वायदा, और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी 1155 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सोयाबीन में गिरावट काफी हावी है आज। 2.5% से ज्यादा सोयाबीन लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपायरी है आज दिसंबर वायदा की, इसलिए आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जो पिछले हफ्ते बाजारों में रिकवरी आई थी आज वो सब गायब होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं विदेशों में और वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो वापस से शुरू हो चुका है और ये इसका इम्पैक्ट सभी आज कॉमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। सभी कॉमोडिटीज में जबरदस्त गिरावट आज आती हुई नजर आ रही है। खाद्य तेलों में भी गिरावट है। ऐसे में सोयाबीन नीचे में 6000 तक लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है और ऊपर में 6200 के आसपास का इसका एक सपोर्ट बनता हुआ यहां से
से दिखाई दे रहा है। तो 6000 से लेकर 6200 के बीच में सोयाबीन फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में एग्री कमोडिटीज के अंदर आज क्या करके चलना चाहिए, वैसे देखा जाए तो आज सभी कमोडिटीज में गिरावट है, थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आज हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसे में आपको बिनोला खल नीचे में अगर मिलता है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मुझे लगता है कि आने वाले अगले हफ्ते में बिनोला खल एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिनोला खल में खरीदारी करके फिलहाल चला जा सकता है। इसके अलावा सभी कमोडिटीज के ऊपर दबाव गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं धनिये में भी तेजी बन सकती है, जनवरी वायदा नीचे में 8500 तक लुढ़कता है तो वहां पर उसमें भी बाइंग की नीति जो है वो बनाकर चला जा सकता है, उसमें भी वहां पर बाइंग हावी होते हुए नजर आ सकती है 8500 के आसपास। ओवरऑल सभी कमोडिटीज में आज इंट्राडे के लिए सेलिंग का कॉल है, आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ग्वार गम ग्वार सीड में बिकवाली की जा सकती है, सोयाबीन में भी आज इंट्राडे में बिकवाली करके चला जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से बिनोला खल में फिलहाल खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है।